है। सिंह साहब, बहुत आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी पत्नी मिली है, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि आपका क्या आज खुश होने का राज है, जो बाबा साहब का जन्मदिन 127वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज खुश होने का राज सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे दलित लोग, जितने भी हमारे दलित भाई हैं, वो सिंह साहब एक बार दलित शब्द का तो ये बिल्कुल खंडन कर दिया है, और परसों के पेपर में भी दिया था, आप दलित नहीं मूल निवासी कहेंगे या बहुजन समाज कहेंगे? हमारे जो मूल निवासी भाई हैं, 2 तारीख का जो आंदोलन हुआ, भारत बंद जो हुआ, उस भारत बंद के होने से हमारे मूल निवासी भाइयों में बहुत बड़ी जागरूकता आई है, जो आज यहाँ बाबा साहब के जन्मदिवस पर पार्लियामेंट में देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में, पहले हम आते थे तो कब दो बजे तक नंबर आता था, आज तो उम्मीद है 4 बजे तक नंबर नहीं आएगा। मैं खुद नहीं दर्शन कर पाया हूँ, इतनी लंबी लाइनें थी, और व्यवस्था मतलब बहुत ज़्यादा रस था उस आंदोलन का। आंदोलन की देन यह है कि ऐसे आंदोलन अगर होते रहे तो हमारा वो दिन दूर नहीं है जब हम संकेत होंगे, सभी बहुत जल्दी संकेत होंगे, बहुत जल्दी संकेत हो जाएंगे, और संकेत होंगे। बाबा साहब का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, और बाबा साहब का नारा शिक्षित बनो, संकेत हो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित तो हम हो गए हैं कुछ संख्या में, लेकिन संकेत अब हम होने लगे हैं, संघर्ष अपने आप निकल ही आएगा, ये तो बाबा साहब का मूल मंत्र हमें दिया हुआ है। हाँ सिंह साहब, 2 तारीख को देखा गया, ना तो कोई पार्टी का झंडा था, ना कोई बैनर था, ना किसी तरीके का कोई किसी लीडर ने आह्वान किया, लेकिन उसके बाद पूरी सरकार हिल गई, पूरा भारत हिल चुका है, और सभी लोग, उन्होंने दिखा दिया कि हम एक हैं। देखिए, हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में हो, सब शांति प्रिय हैं, कभी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, और 2 तारीख में भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया था भारत बंद में। लेकिन हुआ क्या, इन भगवा रंग वालों ने, भगवा ब्रिगेड ने ये हमारे अंदर एंट्री कर गए, और इन्होंने अंदर एंट्री कर कोई गोली चला रहा है, कोई लाठी चला रहा है, कोई आग लगा रहा है, और इन्होंने आतंक वाली स्थिति हमारे लोगों के बीच में पैदा कर दी, जिससे हमारे जो शांति प्रिय है, जो हमारे मूल निवासी हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये सब भाजपा वालों की साजिश थी। तो सिंह साहब, आज देखने और आरएसएस वालों की, आज देखने में आया है कि कभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते थे, लेकिन आज बहुत तादाद के अंदर उन्होंने अपना ये स्टाल लगा रखे हैं, और बिरयानी बांट रहे हैं, और सबको एक कह रहे हैं कि हम सभी लोग एक हैं, हम अलग नहीं हैं। वो दिन दूर नहीं है, मैंने कहा वो दिन दूर नहीं है, दलित और मूल निवासी और मुस्लिम, जिस दिन दोनों एक मिल जाएंगे, ये अपने आप आत्म संपन्न कर देंगे, बस उस दिन का हमें इंतजार है जल्दी में। 2019 आ रही है, हाँ 2019 आ रही है, 2019 में शायद वो दिन हमें देखने को मिल जाएगा, इनका सफाया हो जाएगा, और मूल निवासी हमारे शासन प्रशासन में काबिज हो जाएगा। धन्यवाद।